What's up guys, welcome back to new vlog. So as you know that I am in Varanasi और वाराणसी में तीन चार चीज़ फेमस है, जैसे कि घाट है और टेम्पल्स है, स्ट्रीट फूड्स है. सो घाट तो मैंने आपको दिखा दिया, बचा है टेम्पल. तो आज मैं आपको सारे टेम्पल्स दिखाता हूँ जो भी फेमस टेम्पल्स हैं वाराणसी के, और कुछ स्ट्रीट फूड्स भी आपको दिखाता हूँ अगर दिखा पाया तो. सो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, मैं आपको टेम्पल्स दिखाता हूँ. ओके सो गाइज, अभी थोड़ी सी भूख लगती थी तो मैंने सोचा कि कुछ खा लेते हैं, तो मैं लक्सा पे आया हूँ इडली खाने के लिए. तो ये है वो शॉप, अभी मैंने इडली का ऑर्डर दे दिया है. अभी देखते हैं ये दूसरा का ऑर्डर रेडी हो रहा है, उसके बाद मेरा मिलेगा. वैसे देखिए बनारस में क्या है कि खाने की कोई कमी नहीं है, आपको हर जगह छोटे छोटे स्टॉल्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये है और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स हैं जो कि आपको बनारस में मिल जाएंगे. तो खाने की कोई कमी नहीं है, जब मर्जी जहाँ मर्जी आप खा सकते हैं, और हर जगह खाना अच्छा मिलता है, ऐसा नहीं कि आपको बुरा मिलेगा. टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, बहुत रीजनेबल भी होता है. सो हमने इडली के साथ साथ एक उत्पम ही मंगाया है, भूख तो लग रही है, कुछ खाना तो है ही. सो ये भी है. वाह अंकल जी प्रेजेंटेशन अच्छा दे रहे हैं, थैंक यू. सो मैंने खाना खा लिया है, एक प्लेट इडली और एक उत्पम, साथ में एक कोल्ड ड्रिंक ले लिया 20 वाला. सो ओवरऑल कॉस्ट पड़ी 100 रुपीज़. सो रिजनेबल बहुत है बनारस अपना. बनारस में हर जगह आपको खाना मिल जाएगा, जहाँ चाहे हर कॉर्नर पे मिल जाएगा. चाय बड़ी अच्छी है, मेरे को दिल्ली में चाय कहीं अच्छी नहीं मिली, और मैं अयोध्या भी जा चुका हूँ, वहाँ भी अच्छी चाय नहीं मिली है. अयोध्या में इवन खाना भी अच्छा नहीं है. बनारस में आपको चाय खाना हर जगह मिल जाएगा और बहुत अच्छा मिलेगा. सो इन द लिस्ट ऑफ टेम्पल्स, फर्स्ट टेम्पल वी हैव दैट इज मणि मंदिर, और ये आपको महिंद्रा के जस्ट अपोजिट साइड में मिल जाएगा. मैं आपको दिखा देता हूँ. सो दैट इज महिंद्रा, ये है एक कोचिंग सेंटर, और उसके जस्ट सामने ही इस गेट के अंदर आपको मणि मंदिर मिल जाएगा. सो चलते हैं. तो ये है मणि मंदिर और ये नंदी बाबा. और ये वो टेंपल है जहाँ ढेर सारे शिवलिंग हैं, हर शिवलिंग का एक अलग मीनिंग है. यहाँ भी मैं आपको ये मणि मंदिर के बारे में कुछ बताता हूँ. ये टेम्पल जो है तकरीबन 1940 में इस्टेब्लिश हुआ था, और यहाँ पे आप एक साथ में पांचों देवताओं के दर्शन कर सकते हैं. लाइक श्री राम है, लॉर्ड शिवा है. श्री राम जी के दरबार के जस्ट सामने एक 5 फीट का शिवलिंग तैयार किया गया है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था. और 151 नर्मदेव साथ में सारे लाइन से इस्टेब्लिश किए गए हैं. तो ये जो 5 फीट के शिवलिंग जी हैं बनाए गए हैं, उनके दोनों तरफ 151 नर्मदेश्वर शिवलिंग की कतारें हैं. अगर आप मणि मंदिर सीधा आ जाए दुर्गाकुंड की तरफ, तो ये कुंड के लेफ्ट हैंड साइड से ही रास्ता जाता है, और ये रास्ता सीधा आपको 80 लेके जाएगा. एकदम बिल्कुल स्ट्रेट जाना है, कहीं नहीं मुड़ना आपने. और ये है दुर्गा कुंड, और ये दुर्गा मंदिर जो रेड कलर आपको दिख रहा है. तो ये दुर्गा माता मंदिर. सो
सो गाइज मंदिर के अंदर फ़ोन या फिर कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, मुझे पता नहीं था। तो मैं शूट करते जा रहा था तो उन्होंने रोक दिया सिक्योरिटी ने कि आगे कैमरा या फिर फ़ोन अलाउड नहीं है। उन्होंने मुझे शॉट भी लेने नहीं दिया। जो भी शॉट है मैं दिखा देता हूँ आपको, आप देखो कैसा है मंदिर। और दोस्तों इस रूट पे जितने भी टेंपल हैं सारे पास पास में ही हैं, सभी एक ही रूट पर है। बस एक BHU का जो विश्वनाथ टेंपल है वो थोड़ा दूर पड़ेगा, वो भी ऑटो लेके जा सकते हैं आप, 10 रुपये की ऑटो मिल जाएगी। बाकी तुलसी मानस मंदिर, त्रिदेव मंदिर, संकट मोचन, ये सभी सेम रूट पर हैं और सब पास पास में हैं। सो गाइस अभी मैं हूँ तुलसी मानस मंदिर पे, और अगर मैं इस मंदिर के बारे में आपको बताऊँ तो ये जो मंदिर है 1964 में सुरेखा फैमिली द्वारा बनाया गया था। उसके पीछे भी एक रीज़न था, लाइक जो रामायण है वो ओरिजिनली संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है वाल्मीकि जी द्वारा, बट इसको फिर अवधि में ट्रांसलेट किया गया तुलसीदास जी द्वारा। तो यहीं पे इसी जगह पे उन्होंने ये रामायण लिखी थी अवधि लैंग्वेज में। तो सुरेखा फैमिली ने 1964 में यहाँ पर इस टेंपल को बनवाया था। कुछ ऐसा है ये टेंपल अंदर से। यहाँ पर शूटिंग अलाउड है और दुर्गा कुंड में नहीं अलाउड थी। अगर आप शाम को यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे लाइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। कभी शाम को आइएगा आप यहाँ तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है देखने में। दोस्तों ये जो त्रिदेव मंदिर है बेसिकली ये 3 गॉड्स को डेडिकेटेड है, जो कि लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड शिवा है। और एज पर हिंदू माइथोलॉजी ये माना जाता है कि जो लॉर्ड ब्रह्मा है उन्होंने इसकी जो ये यूनिवर्स है इसे बनाया है। और ये जो वाराणसी प्लेस है तब से ये जो है कि वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट प्लेसेस में से एक है, मोस्ट होलीएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। सो गाइस त्रिदेव मंदिर के बाद अभी मैं आ पहुंचा हूँ संकट मोचन मंदिर पे, और ये बनारस का सबसे फेमस मंदिर है हनुमान जी का। और माना जाता है कि ये जो टेंपल है इसे तुलसीदास जी ने यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की थी, और इसे अराउंड 1900 में मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनाया गया था। सो ये टेंपल भी बहुत पुराना है और बहुत स्पिरिचुअल भी है। तो इस टेंपल के अंदर वैसे मोबाइल फोन्स कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अलाउड नहीं है, सो आई वुड नॉट बी एबल टू शो यू फ्रॉम द इनसाइड। सो बस बाहर से मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा है, आसपास का एरिया कैसा है। तो ये है श्री गुरु रविदास गेट लंका पे, और ये है लंका का एरिया। यहाँ से हमें जाना है BHU की तरफ। दिस इज BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। सो IIT BHU का ये पहला फैकल्टी है,
केमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो ये है आईआईटी का खुद का क्रिकेट ग्राउंड और जस्ट अपोजिट साइड में है आईआईटी का खुद का फुटबॉल ग्राउंड, यहाँ पे आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो गाइज, अभी जो हम लोग BHU में हैं इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा, और ये इंडिया का सबसे बड़ा रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। और इसके बेसिकली दो कैंपस हैं, एक ये जो वाराणसी में है ये 1100 एकड़ में है, और दूसरा है मिर्ज़ापुर बरकच्छा जो कि 2100 एकड़ में बनाया गया है। यहाँ BHU का जो IIT BHU है, इससे पहले ये IIIT BHU था, इसको अमेंड करके IIIT BHU किया गया है। सो एज यू कैन सी, जो यहाँ पे आपको घर दिखाई दे रहे हैं इन्हीं की मैं बात कर रहा था कि ये रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। सो ये बेसिकली प्रोफेसर्स के फ्लैट्स हैं, जो कि BHU के प्रोफेसर्स हैं उनके फ्लैट्स हैं। ये IIT BHU का लाइब्रेरी, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट। गाइस, दिस इज द मेन बिल्डिंग ऑफ IIT BHU। सो IIT BHU से डायरेक्टली सीधा आते हुए ये रास्ता आपका डायरेक्टली VT की तरफ जाता है, और आप VT को देख भी सकते हैं यहाँ से, अगर आपको दिख रहा हो तो पेड़ के पीछे। सो नाउ आई एम हियर एट काशी विश्वनाथ टेम्पल, और सौम्य भी आ गया हमारे साथ। तो खाली था सौम्य भी, तो कहा मैं भी चलूंगा, आ जाओ चलते हैं। This is काशी विश्वनाथ टेम्पल BHU। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, सो मैं आपको अंदर के तो नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जितना दिखा सकता हूँ उतना दिखा देता हूँ। यहाँ पर दीवार पर भगवद गीता भी लिखी गई हुई है, आप देख सकते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम भगवद गीता। ऊपर बालकनी से कुछ ऐसा व्यू है, आप यहाँ पे आके शांति से बैठ सकते हैं, अच्छा लगेगा यहाँ पे बैठने में, अच्छा लगता भी है। बस गर्मी के दिन में दोपहर को मत आइएगा, क्योंकि बैठ नहीं पाएंगे फिर यहाँ पे आप।
शुक्र शर्त के दर्शन भी हो गया और लकीली मैंने वीडियो भी बना लिया है। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर ये कोल्ड कॉफ़ी की शॉप्स हैं और सबसे फेमस कॉफ़ी यहीं की है। आप यहाँ पे पी सकते हैं कॉफ़ी और बहुत अच्छी है। आइसक्रीम डाल के मस्त एकदम देते हैं, मज़ा आ जाता है। अभी हमने तीन मंगाई है, एक अंशिता भी आ गई है अभी। तो हमने तीन कॉफ़ी ऑर्डर करी है। तो गाइज़ अगर आपको बीएचयू पे समोसे खाने हैं तब यहाँ पे खा सकते हैं। बहुत ही अच्छे समोसे हैं, छोले के साथ मिलते हैं। प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है और बहुत टेस्टी भी रहते हैं। इसका लोकेशन है ये नेक्स्ट टू वॉशरूम है, यहाँ पे पब्लिक टॉयलेट उसके जस्ट बगल में ही है। बहुत बढ़िया तरीके से समोसा बनाते हैं और अच्छा भी लगता है खाने में। आइए तो ट्राई ज़रूर करिए यहाँ पे। सो गाइज़ ये थी कुछ फेमस टेम्पल्स और एक दो स्ट्रीट फूड्स ऑल्दो मैं ज़्यादा कवर नहीं कर पाया, बट कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर से कवर करूँगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।